अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप एक नींबू की मदद से अपने प्यार को पा सकते हैं। दोस्तों अगर आपका प्यार आपसे दूर चला गया है या आपसे रूठ गया है, बहुत मनाने के बाद भी वो आपके पास नहीं आ रहा है, आपने बहुत सारे बार कोशिशें कर ली, उन्हें समझा लिया, लेकिन तब भी वो आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, तो दोस्तों ये आसान सा अमल आप कर सकते हैं जिससे कि आपकी मोहब्बत आपके पास होगी। आपकी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ आपको चाहेगी। अगर आप लोगों के बीच में किसी तरह का कोई मसला है, कोई समस्या ऐसी हो गई है जो कि बहुत ज्यादा सुलझाने के बाद भी नहीं जा रही है, तो आप इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल को करने के लिए दोस्तों आपको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता देती हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इंशाल्लाह आपका काम जरूर बनेगा। दोस्तों सबसे पहले तो एक कागज पर आपको इस तरह से नक्श बना लेना है। सादा कागज ले लीजिए, उसके बाद पेन की मदद से आपको ये नक्श बनाना है। कागज में सबसे ऊपर लिखिए 786 और उसके बाद इस तरह से नक्श बनाकर आपको नंबर लिखने हैं। तो ऊपर के खानों में आपको लिखना है 9 नंबर, नीचे भी लिखना है 9 नंबर और उसके बाद अपना और अपने मोहब्बत का नाम आपको बीच में लिख देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 नाम लिखे हुए हैं और सबसे नीचे आपको अपनी मोहब्बत की माँ का नाम लिखना है। उसके बाद दोस्तों इस कागज को अपने सामने रख लें और एक नींबू ले लें। नींबू जो है पका हुआ होना चाहिए, यानी कि पीले रंग का नींबू होना चाहिए, बिल्कुल भी कटा फटा ना हो, किसी भी तरह का निशान ना हो, सूखा हुआ नींबू ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और उसके बाद नींबू पर आपको लिखना है अपनी मोहब्बत का नाम। एक तरफ लिख दीजिए अपनी मोहब्बत का नाम, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ शमा, और दूसरी तरफ लिख दीजिए अपना नाम। अपना नाम मैं यहाँ पर, लड़के का नाम मैं यहाँ पर लिख रही हूँ शफीक। इस तरह से लिखकर आपको दोस्तों इस नक्श के ऊपर इस नींबू को रख देना है। उसके बाद आप चाकू की मदद से इसे काट लीजिए, तो बीच में से आपको इसे काटना है। ध्यान रखें कि जब आप नींबू को काट रहे होंगे उस समय नक्श जो है वो उसके नीचे होना चाहिए। अब नींबू जब काट रहे होंगे उस समय आपको अपनी मोहब्बत का नाम सिर्फ एक बार बोलना है और नींबू पर दम कर देना है। दोस्तों नींबू का इस्तेमाल बहुत तरह के अमल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हिंदू लोग भी इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कई तरह के टोने टोटके भी किए जाते हैं और यकीन मानिए कि नींबू बहुत ही ज्यादा असरदार होता है। इसी तरह से अगर आप नींबू की मदद से इस अमल को करते हैं तो ये भी आपको तुरंत अपना असर दिखाता है। आपकी जो मोहब्बत है वो आपसे दूर नहीं रह पाती है और तुरंत ही आपके पास वापस आ जाती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि नाम लेकर आपको नींबू पर दम करना है और उसके बाद दोनों टुकड़ों को फिर से ऐसे जोड़कर नक्श वाले कागज में रखिए और उसके बाद इसे पूरी तरह से ढक दीजिए। इस तरह से आपको इसे लपेटना है कि नींबू बाहर से दिखाई ना दे। अब इस कागज को पूरी तरह से बंद करने के बाद इस तरह से आपको कागज को पूरा बंद कर देना है ताकि नींबू बाहर से दिखाई ना दे। अब दोस्तों आपको जहां पर भी आपकी मोहब्बत रहती है, जो उनके घर के पास की गली है, वहां पर जाना है और चौराहे पर इस नक्श के साथ साथ, इस कागज के साथ साथ आपको ये नींबू रख देना है। याद रखना है दोस्तों, जब आप ये रख रहे हो आपके आसपास कोई ना हो, अगर कोई आपको आवाज देता है तो आपको उसकी तरफ पलट कर नहीं देखना है, सीधा अपने घर आ जाना है और उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे इसका कमाल। चंद मिनटों के अंदर अंदर ही आपकी मोहब्बत खुद आपको कॉल करेगी, आपसे मिलने के लिए तड़प उठेगी, आपकी मोहब्बत आपके पास आ जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। ये एक ऐसा अमल है जिसे अगर आपने सिर्फ एक बार कर लिया तो आपकी पूरी जिंदगी में आपको दोबारा इसे नहीं करना पड़ेगा। ये इतना ज्यादा जल्दी काम करता है और आपकी मोहब्बत को आपके पास लेकर आता है। तो दोस्तों इस अमल को आप कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है, कोई और मसला है जिसका आप हल चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। हमारा नंबर दोस्तों आपको वीडियो के टाइटल में मिल जाएगा।
उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली बार। शब्बा खैर।